हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और स्वागत करता हूं आपका सागर डोमेन चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। यह एल्गोरिथम का डिफिनेशन, एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम एक फाइनाइट सीक्वेंस वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। यह एक फाइनाइट सेट का ही स्टेप्स होता है, ऐसा नहीं कि इनफिनाइट स्टेप्स हो जाएगा। यह हमेशा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और वेल स्ट्रक्चर और डिटेल्ड होता है। इसे प्रोग्रामर ट्रांसलेट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्राम में। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कैसे है। यहाँ पर मैंने दो एल्गोरिथम लिखा है। पहला एल्गोरिथम है दो नंबर को जोड़ने के लिए, दूसरा एल्गोरिथम भी दो नंबर को जोड़ने के लिए ही है, लेकिन इसमें है दो नंबर है ए और बी और तीसरा वेरिएबल सम है। सम वेरिएबल में ए एंड बी दोनों को जोड़ा गया है और फिर डिस्प्ले किया गया है सम के वैल्यू को। लेकिन इस एल्गोरिथम में दो नंबर ही लिया गया है और उसे ऐड किया गया है और उसे ही डिस्प्ले कर दिया गया है। तो सेम काम हो रहा है लेकिन दोनों के लिए हमने अलग अलग एल्गोरिथम लिखा है। इसका मतलब है कि ये एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि दो एल्गोरिथम सेम काम कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा इफिशियंट, ज़्यादा अच्छा कौन होगा। और ये हम लोग किसी भी एल्गोरिथम के टाइम कितना लेता है और कितना स्पेस लेता है इस पर कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का जो डिफिनेशन है वो इस प्रकार है। इन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस चेक करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में जो भी इनपुट साइज हो। इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम और स्पेस कि एल्गोरिथम कोई भी कितना टाइम और कितना स्पेस ले रहा है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को नापने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन है, बीगो, ओमेगा और थीटा नोटेशन। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें मैंने जावा लैंग्वेज में एक कोड लिखा है कि एक नंबर है 999,996 और उसे सर्च करना है 0 से लेकर के 1 करोड़ के बीच में। यहाँ पर एक लूप है जिसमें जो नंबर मेरे पास है एक्स में जो स्टोर है 999,996 उसे 0 से लेकर 1 करोड़ तक में यह हर एक से कंपेयर करेगा। जहाँ पर यह नंबर इसे मिल जाएगा वो डिस्प्ले कर देगा। इसके लिए वो कितने ट्राई किया है वो मैंने काउंट किया है जिससे पता चलेगा ये कितना टाइम ले रहा है। और यहाँ पर उस टाइम को मैंने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले देखते हैं इस एल्गोरिथम को रन करा कर गए।
यहाँ पर मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको जावा का कोड किस तरह से रन किया जाता है ये आपको मालूम हो। यहाँ पर मैं इस कोड को अभी कंपाइल कर रहा हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसे 999,997 ट्राई लिया और टोटल टाइम 15 मिली सेकेंड है। लेकिन ये टाइम फ्लक्चुएट भी हो सकता है, डिपेंड होता है कैचे मेमोरी और कंप्यूटर के वर्किंग टाइम पर, लेकिन ये एवरेज यही 15-14 मिली सेकेंड लेगा ही लेगा, 13 मिली सेकेंड। लेकिन अब मैं एक दूसरा एल्गोरिथम सेम काम करने के लिए ही लिख रहा हूँ, जिसमें मुझे सेम नंबर को सर्च करना है 0 से लेकर 1 करोड़ के बीच में। लेकिन पहले मैं ये जानता हूँ मैथमेटिकल टर्म से कोई भी नंबर इवन होता है या ओड होता है, तो सबसे पहले जो नंबर सर्च करना है उसे मैं 2 से डिवाइड करके चेक कर लूँगा कि वो इवन है या ओड। अगर वो इवन है तो वो इस लूप में चलेगा और मेरा टाइम और सर्च दोनों हाफ हो जाएगा, और अगर वो ऑड है तो उसे ये लूप में चलेगा और उस में भी मेरा टाइम हाफ होगा। तो इस एल्गोरिथम को पहले रन कराकर मैं देखता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 499,999 ट्राई में ही ये खोज ले गया, जो कि पहले के मुकाबले आधा है, और इसमें जो टाइम भी लगा है वो भी सिर्फ 10 मिली सेकेंड है। इससे मैं 2-3 बार और रन कराकर देखता हूँ कि एवरेज टाइम कम ही आ रहा या नहीं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एवरेज टाइम हमेशा 10 से लेकर 12 मिली सेकेंड के बीच में ही फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि एल्गोरिथम 2 एल्गोरिथम 3 से ज़्यादा इफिशियंट है, और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, जिससे हम नाप सकते हैं इसकी एफिशिएंसी को। इस एफिशिएंसी को नापने के लिए हमारे पास 3 सिनेरियो होता है, थीटा नोटेशन, बीगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन क्या है? वी से दैट fn इज इक्वल टू थीटा gn इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट n नॉट c1 एंड c2 सच दैट टू द राइट ऑफ n नॉट द वैल्यू ऑफ fn ऑलवेज लाइज बिटवीन c1 g1 एंड c2 gn बोथ इंक्लूसिव। कहने का मतलब है कि जो fn फंक्शन है वो n नॉट कांस्टेंट के बाद हमेशा c2 gn और c1 gn के बीच में ही लाई करेगा। इसे हम लोग एवरेज केस भी कहते हैं। फिर हमारे पास है ओमेगा नोटेशन। वी राइट fn इज इक्वल टू ओमेगा gn इफ दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट n नॉट एंड c सच दैट टू द राइट ऑफ n नॉट द वैल्यू ऑफ fn ऑलवेज लाइज ऑन और अबव cgn। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन fn है वो n नॉट कांस्टेंट के बाद हमेशा cgn के अबव ही लाइक करेगा, और इसे कहते हैं हम लोग बेस्ट केस सिनेरियो, जो कि ओमेगा नोटेशन कहलाता है। अब है हमारे पास बीगो नोटेशन।
वी राइट एफ एन इज इक्वल टू बी को जी एन इफ दे आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एन नॉट एंड सी सच दैट टू द राइट ऑफ एन नॉट द वैल्यू ऑफ एफ एन ऑलवेज लाइज ऑन और बिलो सी जी एन। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन एफ एन है वो एन नॉट कॉन्स्टेंट के बाद अगर उसको कोई वैल्यू लिया जाए तो वो हमेशा सी जी एन के नीचे रहता है, जो कि एक वर्स्ट केस बिहेवियर है और मेनली कंप्यूटर में हम लोग इसी का स्टडी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें।